नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना महामारी से दो चार होते हुए देश की जनता को इस वक्त महंगाई की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहां जनता का बुरा हाल होता दिखाई दे रहा है। अब रसोई गैस के दामों में आए इजाफे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दो महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 8 रुपए बढ़े हैं, तो एलपीजी गैसों में 125 रुपए की महंगाई देखने को मिली है। दो महीनों में आए इस उछाल को समझने के लिए 1 जनवरी 2021 और 1 मार्च 2021 के दामों को तुलनात्मक तरीके से समझते हैं। IOCL के अनुसार अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को पेट्रोल की कीमत 83.71 रुपए प्रति लीटर थी। आज 1 मार्च यह 91.17 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह 1 जनवरी को डीजल का रेट 73.87 रुपए था, तभी दो महीने बाद यानी कि आज 1 मार्च को बढ़कर 81.47 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। एलपीजी गैस के दामों में आए उछाल ने तो जनता की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। पिछले दो महीने में छठी बार इसके दामों में बढ़ोतरी दिखाई देने को मिली है, जिसका असर अब लोगों की थाली में भी दिखाई देने लगा है। 1 जनवरी 2021 को रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी, 1 मार्च को यह बढ़कर 819 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, यानी कि अब प्रति सिलेंडर 125 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ध्यान रहे, यह सिर्फ दिल्ली के दामों की बात की जा रही है, कुछ राज्यों में इसके लिए दिल्ली से भी ज्यादा दाम चुकाने होंगे।